शिजान खान पर तुनिशा की मां ने बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तुनिशा पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया था। बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी मां को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, तुनिशा का मोबाइल फोन आखिरकार अब अनलॉक हो चुका है। मोबाइल कंपनी ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया है। जानकारी के माने तो तुनिशा के मोबाइल फोन से पुलिस को उसकी शेजान की बहन और मां के साथ की गई चैट्स और कॉल्स भी अब मिल चुके हैं, और इसी के आधार पर पुलिस आज शेजान के परिवार वालों से पूछताछ भी कर सकती है। तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस ने एक लड़की को और पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने उस लड़की से 3 घंटे तक पूछताछ की है। ये लड़की सीरियल के सेट पर ही काम करती है। तो तुनिशा सुसाइड केस में हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है, और इसी सिलसिले में एक और लड़की से पूछताछ पुलिस ने की है जो सेट पर ही काम करती है। इससे पहले भी श्रीजान और तुनिशा के कई सारे ऐसे कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनसे पूछताछ पुलिस की ओर से की जा चुकी है। अब जानकारी ये मिल रही है कि एक और लड़की को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब इस वक्त पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, और यही कारण भी है कि इधर श्रीजान खान की जो कस्टडी है वो भी बढ़ चुकी है, और दूसरी तरफ एक खबर अब मिल रही है कि एक और लड़की ऐसी जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। चलिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं ताबड़तोड़ 50। एक्टर तुनिशा मौत मामले में गिरफ्तार शिजान खान की पुलिस रिमांड 1 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। कोर्ट के सामने सरकारी वकील ने शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तुनिशा को हिजाब पहनने पर मजबूर करने और उर्दू भाषा सिखाने का किया दावा।